हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल है आप सभी का। फिर से स्वागत है हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। तो आज है डे 5 और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा चैलेंज चल रहा है ब्लॉग का कि 1000 दिन में हमें 1000 ब्लॉग बनाने हैं। पर डे हमें एक ब्लॉग तो रिकॉर्ड करके अपलोड करना है। तो एक ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है हमारा तहज्जुद नमाज, नो मिस तहज्जुद नमाज, जो 75 डे का है। ऑलरेडी मैंने 5 कंप्लीट कर चुके हैं, जो 70 डेज बाकी है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। मुझे दूसरा कोई चैलेंज आप लोग देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, और कंफर्टेबल होगा तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, अभी के लिए जाते हैं बाहर, क्योंकि हमें कल का व्लॉग अपलोड करना है, डे 4 का व्लॉग अपलोड करना है। सो लेट्स सी, चलो बाहर। आँखा भी नहीं खुली है यार। ये रहा अभी का माहौल। सीधे को कुत्ता है। यहाँ पे देख सकते हो हमने टाइटल लग दिया है डे 4 का, संडे इज इक्वल टू बोरिंग डे। कल बहुत ज़्यादा बोरिंग डे था, और भाई कल पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। जिम बंद हो गया, फिर कब से कहा और वो बंद हो गया। तो अच्छा भाई, बोरिंग डे ही लिखे वही बेटर रहेगा। तो डे 4 हो गया, अपने कितना टाइम बाकी है, 4 मिनट, 4 मिनट बाकी, 4 मिनट बाद अपलोड हो गया। और मैं फिर से एक चीज़ भूल गया, मैंने डे 4 का थंबनेल बनाया नहीं। भाई क्या करूँ यार, कल का डे इतना बोरिंग था तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैं सीधा सो गया रात को। फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है। आज का दिन तो सबसे पहले अपना काम रहेगा वो जिम का पैकेज पूछने का। फिर जो होगा वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन भूल तो गया था हमने बनाना। लेट्स सी अंदर ऑटोमेटिकली कौन सा आता है, नहीं तो फिर हम 2 बजे आते हैं ना, वो टाइम पे हम बना लेंगे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। अभी मैं उठा था और मम्मी ने एक काम सौंप दिया है कि ATM में से पैसे लाने हैं, और उसके साथ मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी पुराना है। तो वही हम काम करने जा रहे हैं बाहर उसी के सिलसिले में, और पेट्रोल भी पुरा लेंगे और ATM में से पैसे भी निकालेंगे साथ में। तो अब चलते बाहर। अब जाएगा हम ATM पे। अरे क्लियर हो? अच्छा, ATM पे। ATM रहा यहाँ, सीधा यहाँ से पैसे निकालेंगे। तो अभी अभी बैंक से पैसा निकलना पड़ेगा। तो अभी अभी ATM से पैसा निकाला है, ये एक काम पूरा हो गया हमारा। अब जा रहे हैं हम पेट्रोल पंप, यहाँ पेट्रोल पूरा। भाई आजकल मेरे को 100 रुपये का पेट्रोल पता ही नहीं चलता भाई कितना है कितना है, कुछ पता ही नहीं चलता। पहले का टाइम जब था 2014-15, उस टाइम पे तो भाई 60 रुपये लीटर था, 55-60 रुपये मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं था। उस टाइम 100 रुपये का पेट्रोल कम से कम 4-5 दिन चल जाता था। लेकिन अब 2 दिन के टिक से चलता नहीं। अब तो अब क्या करें, इतनी सब बारिश नहीं करती तो फिर वो हिसाब से अब हो जाता है। फिर भी भाई जो पहले का टाइम था ना, वो पहले का टाइम ही था, वो अब वापस आ ही नहीं सकता। वो टाइम कोरोना की तरह ही है, ये फिर चला गया तो चला गया। जो हम लोगों ने मस्ती करी ना कोरोना में, भाई मजा आ गया इसलिए। कोरोना तो सबका यादगार रह गया भाई। भाई ये कुत्तों से बहुत डर लगता है भाई। एक फेरी मेरे पीछे दौड़े थे भाई, ऐसे दौड़े थे ना सच्ची में, जो मेरे गोटे मुंह में आ गए थे उस टाइम से। जो भागे थे कुत्तों की तरह भागे थे, कुत्तों की तरह। और मैंने भी गाड़ी फुल भगाई थी, उस टाइम मेरे पास गाड़ी थी वो पल्सर 220 मेरे पास गाड़ी थी, वो गाड़ी भगाई थी भाई मुझे। हाँ बहुत ठंडे वाला रोटी। मुझे डर किस बात का था उस टाइम से कि मैं भगा तो दूंगा लेकिन फिर डूब नहीं जाऊंगा। ऐसा रोटे
अभी छोड़ा भाई जी थी अच्छा भाई साइड में चले गए रॉन्ग साइड वो चले गए तो सीधा यहाँ से पहले पूरा ही कर रहा हूँ जाएगी कुछ काम होगा तो वो पूरा पूरा करेंगे। हाँ भाई हर फिर देरी होती है तो अभी 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 आ चुका हूँ मैं मसल मास्टर पे। तो अभी देखते हैं मैं अभी सीधा अभी अंदर मैं अकेला जाता हूँ क्योंकि ब्लॉग तो कर सकते नहीं पहले दिन तभी से पैकेज पूछ के आता हूँ क्या है क्या नहीं वो बाकी देखते तो लेट्स सी जाके देखता हूँ और पूछता हूँ ठीक है मिलते हैं। अभी पूछ के बाहर निकला हूँ क्योंकि पैकेज क्या है तो मसल मॉन्स्टर का पैकेज है 1 ईयर का 6x00 का है और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 6 महीने का आपको पता है कितना है अगर 1 साल का 6500 है तो 6 महीने का कितना होना चाहिए आपको बता आप बताओ अंदाजा कितना होना चाहिए मिनिमम या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम आप सोचेंगे कि 4000 तो होना चाहिए क्योंकि 1 साल का 6000 क्योंकि 6 महीने का 4000 तो बराबर। अब रियल में इसकी प्राइस बताओ रियल में इसकी प्राइस है 6 महीने की 5.5 हज़ार और 1 साल की है 6500। तो आप ही बताओ कि आप कौन सा पैकेज चूज करोगे। अरे एक कॉमन सी बात है यार कोई भी आएगा तो 1 साल का ही चूज करेगा भले वो 6 महीने की ना आता हो अगर 7 महीने में चला गया तो उसके 6500 कवर हुए लगा बहुत फैंटिक लगा यार अजीब लगा था 1 साल का 6500 एक 6 महीने का 5.5 हज़ार। हाँ भाई ये टेक्निक है भाई 1 साल का लाने की क्योंकि सबको पता है कि 5.5 हज़ार तो कोई लेगा नहीं सोचा बेटर है 1 साल 1 हज़ार उम्र की 6 महीने का ये करना तो फिर भाई जिम जो यहाँ से इसकी एंट्री है यहाँ से और ये जिम तो गाइस अब जाते हैं यहाँ पे यहाँ पे मैं पैकेज पूछ के आता हूँ कि क्या है यहाँ क्या है नहीं फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों को कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं फिर हम जाएंगे अभी मैं चला अंदर। गाइस अभी अभी हम पूछ के आए पैकेज तो यहाँ का पैकेज मैंने सिर्फ 2 ही पूछा है 3 महीने और 6 महीने का 1 साल का उन्होंने बताया नहीं तो 1 महीने का 3 महीने का है 4 हज़ार और 6 महीने का है 5500 5.5 हज़ार। 6 महीने का दोनों का सेम है लेकिन 3 महीने का 4 हज़ार तो भाई ये है इससे बेटर है 6 महीने का लेना 5.5 हज़ार। उस इससे करता हो रहा वो जिम जो मैं पहले आके पूछ गया वो सही लगा मुझे लेकिन वहाँ मुझे पूरी तरीके से टाइम अरे यार मैं टाइम भूल ही गया यार उसको टाइम पूछना भूल ही गया कि रमज़ान में कौन सा टाइम रहेगा चलो तो कोई नेक्स्ट टाइम हो सकेगा तो कोई सा कॉन्टैक्ट बनाकर पूछ लेंगे क्योंकि तो वही कर सकते हैं जैसे जिनमें जा नहीं सकता खाली टाइम पूछने के लिए कि टाइम क्या रहेगा क्या नहीं तो जैसे सी अब जाते हैं घर मम्मी का जो काम आया फ़ोन आया तो भाई ये चीज़ लाने की क्या पता नहीं क्या लाने का पीछे घर जाना पड़ेगा और काम करने का बाल दे नहीं मत कर तो क्या क्या कुछ मत कर हाँ नाच बंदर जैसा नाच तो बंदर जैसा नाच वाओ वाओ आबन के बाल थे नहीं आबन के बाल गए आबन के बाल चौब लग रहे आबन के बाल नहीं मेरे बाल मेरे बाल ही दबा दे मैंने तुझे मैं तुझे दबा क्या हुआ कट मत काटती है मत काट
बस कर और मत कर पकड़ काटा काटा तू को काटता तू भी काटता हो गया है बोल खेजू भाई खेजू है मैं टकला हूँ टकला है तू नहीं नहीं बहन को आगे बिठा तू पीछे बैठ छोड़ गई सीधा अंदर ही छोड़ गई मजा आई पीछे पीछे बोलते ना पीछी 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 इसको लगा आड़िया इसको लगा इसको लगा इसको लग गया साथ में पगले मम्मी तू पीछे बैठिया भाई के पीछे आगे आजा बैठिया बस 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 हो गया पकड़ लिया क्या हो तू गिरा नहीं तो अबन कस के देने नहीं हाँ दे दे चावन अब बैठिया तू भी बैठ आगे जा चल उठ 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 घोड़ा घोड़ा निकल गया घोड़ा निकल गया पाव घोड़ा निकल गया। हेलो गाइस यहीं पे हम हमारा डे 5 का व्लॉग एंड करते हैं। अभी बच्चे भी आए हैं दोनों इनाया और आबान तो उनके साथ थोड़ी मस्ती करी तो मैंने वो व्लॉग में कैप्चर किया एंड अब उन्हीं के साथ भी थोड़ी देर बैठूंगा इसके बाद फिर अभी डे 5 का व्लॉग एडिट करूंगा। सो टाइम ज़्यादा है नहीं क्योंकि अभी से 11 तो बज गए हैं अभी 11 बज गए हैं एडिट करते करते मुझे कम से कम 12:30 तक हो जाएगी। सो तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। सो प्लीज़ लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। मिलते हैं कल के व्लॉग। बाय बाय।